औरंगजेब के समय फारसी साहित्य, औरंगजेब के समय फारसी साहित्य में जो पुस्तकें लिखी गई जैसे फुतुहात, फुतुहात ए आलमगिरी, आलमगिरी, फुतुहात ए आलमगिरी, इस पुस्तक को लिखा था ईश्वरदास नागर ने, ईश्वरदास नागर। औरंगजेब के समय की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करती है फुतुहात आलमगिरी। दूसरी पुस्तक है मासिरे आलमगिरी, मासिरे आलमगिरी, आलमगिरी, इस पुस्तक की रचना की थी काफी मुस्तैद खान, मुस्तैद खान ने इस पुस्तक की रचना की थी। औरंगजेब के समय की जो पुस्तक है फारसी साहित्य में जो इतिहास लिखा है उसमें मुस्तैद खान की जो मासिरे आलमगिरी है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी गई है। इस पुस्तक के महत्व को देखते हुए मराठा इतिहासकार हुए हैं यदुनाथ, मराठा इतिहासकार यदुनाथ हुए हैं, इन्होंने मासिरे आलमगिरी को मुगल काल का गजिएटर, गजेटर का है, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है मासिरे आलमगिरी। इसके अलावा औरंगजेब के समय लिखी गई आलमगीर नामा, आलमगीर औरंगजेब की उपाधि है, आलमगीर, आलमगीर नामा, आलमगीर नामा लिखी गई, आलमगीर नामा जो पुस्तक लिखी है इसके, इसकी रचना की है कासिम खान ने, आलमगीर नामा। इसी तरीके से औरंगजेब के समय अन्य पुस्तक लिखी गई खुलासत उत तवारिक, खुलासत उत तवारिक, इस पुस्तक की रचना की सुजान राय भंडारी ने, सुजान राय भंडारी। ये भारतीय हिंदू इतिहासकार हैं जिन्होंने औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा है जिसमें सुजान राय भंडारी है, ईश्वरदास नागर आ गए। इसी तरीके से एक पुस्तक लिखी गई है नुक्सा, नुक्सा ए दिल खुशा, नुक्सा ए दिल खुशा, भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी, ये भी हिंदू इतिहासकार थे भीमसेन बुरहानपुरी। औरंगजेब के दक्षिण अभियान, औरंगजेब दक्षिण अभियानों पर बादशाह बनने से पहले ये दक्षिण में मनसबदार भी रहा औरंगजेब, औरंगजेब दक्षिण अभियानों पर गया और कहा जाता है कि जिस प्रकार से स्पेन नेपोलियन के लिए नासूर बन गया, नेपोलियन स्पेन के मामले में उलझा और फिर सुलझ ही नहीं पाया, उसी तरीके से दक्षिण औरंगजेब के लिए नासूर बन गया था, दक्षिण गया फिर वापस आ ही नहीं पाया। तो दक्षिण जो अभियान है औरंगजेब के, इनका वर्णन मिलता है नुक्साए दिल खुशा में, भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है पुस्तक। इसके अलावा औरंगजेब के समय अगली पुस्तक आती है जो औरंगजेब से छिप कर के लिखी गई है मुंतखब, मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब, ये पुस्तक लिखी थी काफी खान ने, काफी खान, औरंगजेब से छुप करके ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा दीवान ए मख्फी, दीवान ए मख्फी, दीवान ए मख्फी, ये औरंगजेब की पुत्री ने लिखी है, औरंगजेब की पुत्री जेबुनिशा, ये कविताएं लिखती थी मख्फी के नाम से, उपनाम से, तो इसकी पुत्री के द्वारा दीवान ए मख्फी पुस्तक लिखी गई। तो ये सब फारसी साहित्य है जो औरंगजेब के समय लिखा गया। उत्तरकालीन मुगल बादशाह, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य जो है वो अवनति की ओर चला गया, पतन की ओर चला गया, उत्तर उसके बाद जो शासक हुए उनको कहते हैं उत्तरकालीन मुगल बादशाह। उनके बारे में उनका ऐतिहासिक जानकारी हमको पता चलती है सियार उल मुख्तारन,
सियारुल मुख्तारन, ये पुस्तक लिखी थी गुलाम हुसैन ने। गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के ऐतिहासिक जानकारी का वर्णन हमें सियारुल मुख्तारन पुस्तक से प्राप्त होता है, जो गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई। इसने 1700 ईस्वी से लेकर 1788 ईस्वी तक का मुगल कालीन इतिहास लिखा गया है। तो ये औरंगजेब के समय लिखा गया फारसी साहित्य। अपन ने मुगलों के समय, बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक लिखा हुआ फारसी साहित्य देखा। साहित्य के मामले में फारसी के अलावा अन्य साहित्य का भी विकास हुआ। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने अनुवाद विभाग, ताकि भारतीय ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवादित किया जा सके, तो अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? फैजी। अनुवाद विभाग के अध्यक्ष फैजी बनाए गए। इस अनुवाद विभाग ने बहुत सी पुस्तकों को अनुवादित किया, जैसे अपन ने खुद ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बाबरनामा, तुर्की में लिखी गई थी, बाबर की आत्मकथा थी, ये फारसी में अनुवादित की। बाबरनामा को फारसी में अनुवादित किया पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने इसको फारसी में अनुवादित किया। इसी तरीके से रामायण महाभारत फारसी में अनुवादित की गई, जैसे महाभारत है, महाभारत इसको फारसी में अनुवादित किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में अनुवादित किया। इसका नाम क्या रखा था? रज्मनामा। इसी तरीके से रामायण को फारसी में अनुवादित किया। इसको भी अनुवादित करने वाले कौन थे? बदायूनी। और इसको किया गया था रम्नामा नाम से। थोड़ा सा ध्यान रखना, महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा और रामायण का अनुवाद है रम्नामा। इसी तरीके से अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे फैजी। अनुवाद विभाग के अध्यक्ष कौन थे? फैजी। फैजी ने गणित का ग्रंथ जो है लीलावती, भास्कर ने लिखा था मध्यकाल में, लीलावती और नल दमयंती फारसी में अनुवादित की थी। किसने? फैजी ने किया फारसी में अनुवाद। इसी तरीके से कथा सरित सागर, सोमेंद्र की कृति है ये, कथा सरित सागर और सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी हिंदी वाले बताएंगे ये किसकी कृति है। इन्हें फारसी में अनुवादित किया था बदायूनी ने। और जिन पे हिंदी नहीं है वो बता दे तो सोने पे सुहागा है। क्या शाहजहा के समय जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हुए, उनका नाम था सुंदर कवि राय तो नाम सुना होगा। सुंदर कवि राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी सिंहासन बत्तीसी। ये पुस्तक किसकी है? सुंदर कवि राय। इस पुस्तक को फारसी में अनुवादित किया बदायूनी ने। फिर भगवत गीता इसे फारसी में अनुवादित किया टोडरमल के द्वारा फारसी में अनुवादित की गई। उसके बाद आती है राज तरंगणी, कश्मीर का इतिहास, राज तरंगिणी, इस पुस्तक को फारसी में अनुवादित किया मोहम्मद शाह ने किया। इसी तरीके से बावन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया दारा सिकोह ने।
दारा सिकोहों ने, दारा सिकोहों ने इनका अनुवाद कराया, सिर ए अकबरी, सिर ए अकबरी के नाम से दारा सिकोहों ने इसका अनुवाद करवाया। अब्बुल फजल के द्वारा भी पुस्तकें अनुवादित की गई, जैसे अब्बुल फजल ने पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुप्त काल में, जो प्यासा कौआ लालची लोमड़ी ये जो कहानियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, पंचतंत्र से। नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ थी जो प्राइमरी एजुकेशन में चला करती थी। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक है ये पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की कृति है। इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्बुल फजल ने, अब्बुल फजल ने किया था अनवार, अनवार ए सुहेली के नाम से, अनवार ए सुहेली। तो फारसी में पंचतंत्र को अब्बुल फजल ने अनवार ए सुहेली के नाम से अनुवादित किया था। इसी तरीके से अब्बुल फजल ने कलीला दमीना, कलीला दमीना इस पुस्तक को फारसी में अनुवादित किया अयार ए दानिश के नाम से, अयार ए दानिश के नाम से कलीला दमीना को फारसी में अनुवादित किया। तो ये सब फारसी साहित्य है, ये भारतीय साहित्य है, संस्कृत साहित्य है जिसको फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। अनुवाद विभाग अकबर के द्वारा बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फैजी थे। इसमें ये निम्नलिखित पुस्तकें फारसी भाषा में अनुवादित की गई। तो ये तो हो गया पूरा साहित्य, फारसी साहित्य और फारसी में अनुवादित साहित्य। मुगल काल में हिंदी साहित्य का भी विकास हुआ। जैसे अगर अपन मुगल काल में हिंदी साहित्य की बात करें तो साहित्य की दृष्टि से मुगल काल में अकबर का काल स्वर्ण काल माना गया है। इसमें अकबर के समय जो साहित्यिक प्रगति हुई हिंदी के क्षेत्र में, तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अकबर के समय प्रगति, तो अकबर के दरबार में जो मनसबदार थे जैसे मान सिंह, टोडरमल और अकबर का नवरत्न बीरबल, इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की। अकबर के समय के जो प्रसिद्ध दरबारी साहित्यकार थे हिंदी के, वो थे नरहरि। अकबर के समय के हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, नरहरि। अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी महामात्र की, महामात्र की उपाधि प्रदान की थी इनको, नरहरि को, नरहरि को महामात्र की उपाधि दी गई थी। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी रुक्मणी, रुक्मणी मंगल और कवित्र श्रृंगार, कवित्र श्रृंगार ये पुस्तकें लिखी गई थी नरहरि के द्वारा। बीरबल अकबर के समय के हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बीरबल हिंदी के साहित्यिक रचनाएं लिखते थे ब्रह्मा के उपनाम से, ब्रह्मा के उपनाम से वो हिंदी की साहित्यिक रचनाएं लिखा करते थे। इसी तरीके से अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे लेकिन अकबर के समय के प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार थे तुलसीदास, अकबर के कालीन है कौन, तुलसीदास, तुलसीदास। तुलसीदास ने बहुत सी कृतियां लिखी गई जिसमें उनकी अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इसके अलावा बरबे रामायण, ये भी किसने लिखी है, तुलसीदास। रामलला नहचू, राम आज्ञा प्रश्नावली, ये सब पुस्तकें किसने लिखी, तुलसीदास। इसी तरीके से अकबर के काल से ही संबंध रखते हैं वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास का। विट्ठल दास ने पुस्तक लिखी 84 वैष्णवों की वार्ता। विट्ठल दास के जो शिष्य थे अष्टछाप के गुरु, अष्टछाप के कवि, जिसमें 4 तो वल्लभाचार्य संबंधित रहे और 4 विट्ठल दास से, उन्हीं में सूरदास का नाम आता है। सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग पूजा, ये सब पुस्तकें किसकी हैं, सूरदास की पुस्तकें। इसी तरीके से रस खान,
रस खान ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रसिद्ध प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी पुस्तक है? रस खान की पुस्तक है। इसी तरीके से अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने पुस्तक लिखी थी बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा और रहीम दोहावली। ये पुस्तकें किसकी हैं? अब्दुल रहीम खान खाना की। श्रृंगार सोरठा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली, ये सब पुस्तकें अब्दुल रहीम खान खाना की। तो अकबर का समय हिंदी साहित्य की दृष्टि से कैसा समय था? स्वर्ण काल था। अकबर के बाद जहांगीर आता है, अकबर के बाद किसका नाम आएगा? जहांगीर का। जहांगीर के समय जो दरबारी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो थे बूटा सिंह। बूटा सिंह, इनको कहते थे वृक्ष राय। ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे हिंदी साहित्य के, वृक्ष राय या बूटा सिंह। लेकिन जहांगीर के समय हिंदी साहित्य की जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं वो किसने लिखी? केशव दास ने। जहांगीर के समय हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो साहित्यकार थे वो कौन थे? केशव दास थे। केशव दास की जो कृतियां हैं रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कवि प्रिया, वीर सिंह देव, वीर सिंह देव चरित्र, देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ये केशव दास ने लिखी जहांगीर के समय। जहांगीर के बाद शाहजहां, किसका समय आता है? शाहजहां का। शाहजहां के समय जो सबसे प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार थे वो थे सुंदर कवि राय। सुंदर कवि राय, ये थे सुंदर कवि राय की महत्वपूर्ण कृतियां कौन सी हैं? अभी देखिए अपन ने सिंहासन बत्तीसी, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सिंहासन बत्तीसी, श्रृंगार सोरठा, कौन सी किताब है? श्रृंगार सोरठा, ये भी किसकी कृति है? सुंदर कवि राय की। तो सुंदर कवि राय शाहजहां के समय। औरंगजेब, औरंगजेब की साहित्य में रुचि नहीं थी, औरंगजेब के समय साहित्य में अवनति हुई, औरंगजेब के समय साहित्यकार दरबार से निकल गए थे, प्रांतीय क्षेत्रों में चले गए थे, कुछ मुगलों के जो मनसबदार थे उनके यहाँ। उस समय जो औरंगजेब के समय जो साहित्य लिखा, जैसे जोधपुर के जसवंत सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह ने ब्रज भाषा में, जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह ने ब्रज भाषा में भाषा भूषण, कौन सा ग्रंथ लिखा? भाषा भूषण लिखा। इसी तरीके से आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे बिहारी, और बिहारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बिहारी सतसई, सतसई। तो यह आपका मुगल काल में हुई साहित्यिक प्रगति, मुगल काल में साहित्यिक क्षेत्र में जो विकास हुआ। एक बात ध्यान रखना, शाहजहां के शासन काल से ही संबंधित है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ये हिंदी के भी श्रेष्ठ कवि थे और ये संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि थे। पंडित जगन्नाथ, इनकी कृति है रस गंगाधर, रस गंगाधर और गंगा लहरी, गंगा लहरी। शाहजहां पंडित जगन्नाथ से बहुत प्रभावित था। भरे दरबार में शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ से ही उद्घोष किया था कि आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी चाहे वो मांग सकते हैं। पंडित जगन्नाथ जो है, देखो दरबार लगता था झरोके होते थे, वहाँ पर जो है रानियाँ बैठ के देखती थी दरबार की कार्यवाही। तो पंडित जगन्नाथ जो है उनका दृष्टि जो है राजकुमारी पर पड़ गई किसी पर, और वो राजकुमारी पंडित जगन्नाथ को पसंद आ गई। उसने कहा रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाहजहां ने कहा कि नहीं, आपने जो अब तक सेवा की है इससे मैं प्रसन्न हूँ, आप जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा।
तो जगन्नाथ ने कहा कि आप नहीं दे पाओगे, कि नहीं आप मांग के देखो। तो जगन्नाथ ने कहा कि मुझे वो राजकुमारी चाहिए। अब साजा के साथ दिक्कत, भरे दरबार में वादा वचन दे दिया था, अब दिक्कत थी, मांगी ऐसी चीज़ ली थी उसने। साजा ने पंडित जगन्नाथ से कहा कि ठीक है, क्योंकि वचन तो निभाना पड़ेगा, कि ठीक है वो राजकुमारी तुम्हारे से उसकी शादी कर दी जाएगी, लेकिन आज के बाद तुम और ये राजकुमारी मेरे राज्य की सीमा में नज़र मत आना। तो ये श्रेष्ठ दोनों, हिंदी और संस्कृत दोनों के श्रेष्ठ कवि थे। तो ये आपका मुगल काल में साहित्यिक प्रगति जो थी वो चीज़ कंप्लीट हो गई। अगला टॉपिक आता है इसमें मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में विकास, तो सबसे पहले बाबर। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में उन्नति, सबसे पहले बाबर का नाम आता है। बाबर की संगीत में रुचि थी, लेकिन बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिला तो बाबर संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा कार्य नहीं कर पाया। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं को समय मिला, लेकिन अस्थिरता बहुत ज़्यादा थी। सिंहासन चला गया था, फिर सिंहासन को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, फिर जब सिंहासन मिला तो एक वर्ष भी शासन नहीं कर पाया। हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह का पीछा करते हुए जब उसकी राज्य में पहुंचा मांडू, तो यहाँ से वो एक संगीतज्ञ को अपने साथ आगरा और दिल्ली ले आया था, बच्चू नामक संगीतज्ञ को, बच्चू। तो हुमायूं के समय का सबसे प्रमुख संगीतज्ञ बच्चू था, जो मांडू अभियान के दौरान हुमायूं लेकर के आया था। सर, संगीत के क्षेत्र में जो सबसे उल्लेखनीय प्रगति हुई वो अकबर के समय, या हम ये कहें कि संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण काल अकबर का समय। तो अकबर के समय संगीतज्ञ, अकबर संगीत के मामले में अकबर का समय स्वर्ण काल है। इस समय तीन बड़े संगीतज्ञों के नाम आते हैं, एक तो बैजू बावरा, एक तानसेन और एक मालवा के राजा बाज बहादुर। ये अकबर के समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ये दो तो दरबार से जुड़े हुए थे, मुगल दरबार से। बैजू बावरा स्वतंत्र रूप से गायकी किया करते थे, कभी कभी दरबार में अपनी प्रस्तुति देने आ जाते थे, फतेहपुर सीकरी तो वहाँ आते थे। ये बिल्कुल संगीत के जो है संगीतकार बैठे होते थे, और इनमें भी आपस में प्रतियोगिताएं चलती थी। जैसे बैजू बावरा है, तानसेन है। कहा जाता है कि जो तानसेन संगीत गाते थे, और तानसेन संगीत गा करके दिए जला देते थे। इतनी इनके संगीत में इतनी ताकत थी कि ये संगीत गाते थे और संगीत गा करके उससे राग से दिए जला देते थे। बैजू बावरा मेघ मल्हार गा करके उन दियों को बुझा देते थे। ये प्रतियोगिताएं उनके बीच में चला करती थी संगीत के क्षेत्र में। ये तो वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग कर दिया कि संगीत अगर वृक्षों को भी सुनाए तो वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये प्रयोग वैज्ञानिकों, साइंस भी कहती है चीज़ को, तो संगीत में बहुत ताकत होती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा संगीत हो, ऐसा नहीं कि आप जो है हनी सिंह का संगीत सुन रहे हो तो वो आपको ताकत नहीं देगा, वो आपके सर में दर्द और कर देगा, क्योंकि उसमें संगीत कम होगा और धूम धड़ाका ज़्यादा होगा, म्यूजिक ज़्यादा होगा। दिल है पानी, क्या मतलब है इस चीज़ का भाई? इस चीज़ का कोई सेंस थोड़ी है, कोई मतलब तो हो, शब्द तो हो। तो ये अब देखो, तानसेन प्रमुख संगीतकार थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे।
तानसेन ने संगीत की शिक्षा ग्वालियर से, कहाँ से ग्रहण की? ग्वालियर। मैंने कहा था ग्वालियर का राजा मानसिंह, मानसिंह के समय संगीत पर बहुत ग्रंथ लिखे गए, सारे उत्तर भारत की संगीत शैलियों को लिखा गया। ध्रुपद गायकी का विकास कहाँ से हुआ? वहीं से हुआ। तो वहीं से इन्होंने संगीत सीखा, और यहीं इन्होंने सूफी संत थे मोहम्मद गौस, मैंने आपको बताया था सतारी सिलसिला सोहरावर्दी का उपभाग था, उपशाखा थी, उस सतारी सिलसिले से संबंधित थे मोहम्मद गौस। ग्वालियर में इन्होंने चिश्ती सिलसिले की सूफी मत को प्रचलन में लाए थे। इन मोहम्मद गौस से तानसेन ने ईरानी संगीत की शैली सीखी थी। तानसेन को ईरानी संगीत में पारंगत किसने किया था? मोहम्मद गौस ने किया था। तो ग्वालियर से इन्होंने संगीत सीखा था। ये रीवा के राजा रामचंद्र, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से संबंधित थे तानसेन। अकबर तानसेन को रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ से मुगल दरबार में लेकर के आया था और तानसेन को अपना नवरत्न बनाया था। तो अकबर का समय संगीत की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अकबर के समय के संगीतज्ञ हो गए। बात करें अपन जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय जब आते हैं तो तानसेन का ही पुत्र था, जहांगीर के समय का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का पुत्र बिलास खां, इसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, बिलास खां, और एक और संगीतज्ञ थे छीतर खां। ये तानसेन के समय, जहांगीर के समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे बिलास खां और छीतर खां। शाहजहां के समय की बात करें तो जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ का नाम आता है, वो हिंदी के साहित्य कवि भी थे, संस्कृत के साहित्यकार भी थे और प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। औरंगजेब पर आए तो औरंगजेब के संगीत में रुचि नहीं थी, औरंगजेब के समय संगीत पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, जबकि खुद औरंगजेब खुद बहुत अच्छी वीणा बजाया करता था, अकबर बहुत अच्छा नगाड़े बजाता था, औरंगजेब बहुत अच्छा वीणा वादक था, लेकिन इस्लाम में संगीत वर्जित होने के कारण औरंगजेब ने संगीत को अब मुगल दरबार से पूरी तरीके से हटा दिया। इस बात पर जो संगीतज्ञ थे उन्होंने अपना रोष भी प्रकट किया औरंगजेब के सामने, उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों को तोड़ करके औरंगजेब के सामने जुलूस निकाला। औरंगजेब ने आदेश दिया कि इनके वाद्य यंत्रों को इतनी गहराई तक दफन करो कि इनकी आवाज़ कभी सुनाई ना दे। तो लास्ट में वो जो संगीतज्ञ थे वो मुगल दरबार छोड़ गए और मुगल दरबार छोड़ करके वो प्रांतों में चले गए, विभिन्न प्रांतों में, और उसके बाद संगीत की प्रांतीय शैलियों का विकास हुआ। तो औरंगजेब के समय आकर के संगीत जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यह आपका मुगलकालीन क्या हो गया, संगीत। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों की बात करें तो मोहम्मद शाह के समय बहुत विकास हुआ। मोहम्मद शाह को कहा ही जाता था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके समय संगीत का ग्रंथ लिखा गया संगीत पारिजात, संगीत पारिजात, संगीत का ग्रंथ लिखा गया मोहम्मद शाह के समय। अब देखो मोहम्मद शाह के समय दिल्ली के नियामत खां सदारंग महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे उस समय। तो यह आपका मुगलकालीन क्या हो गया, संगीत हो गया। तो अपन ने मुगलकालीन साहित्य देखा और मुगलकालीन क्या देखा, संगीत। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है मुगल काल की चित्रकला और मुगल काल की वास्तुकला। टाइम क्या है, समय, थोड़ा सा चित्रकला के बारे में देखते हैं। मुगलकालीन चित्रकला, चित्रकला, तो सबसे पहले बाबर, सबसे पहले किसका नाम आता है, बाबर का। बाबर की चित्रकला में रुचि थी, बाबर ने के समय का जो प्रमुख चित्रकार था वो था बहजाद, बहजाद, लेकिन अल्पकाल होने के कारण कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। बाबर के बाद नाम आता हुमायूं का, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं,
एक तो मीर अली, मीर अली, मीर अली को हुमायूं ने उपाधि दी थी नासिरुल अस्त्र, नासिरुल अस्त्र यह उपाधि दी थी मीर अली को। सबसे प्रमुख चित्रकार थे ये हुमायूं के समय। दूसरे चित्रकार है अबू समद, अबू समद ये दूसरे प्रमुख चित्रकार थे हुमायूं ने, इनको उपाधि दी थी सीरी कलम की, सीरी कलम। मीर अली के द्वारा जो सबसे प्रमुख उल्लेखनीय चित्र चित्रित किया गया उसका नाम था दास्तान ए, दास्तान ए हमज, हमजनामा, दास्तान ए हमजनामा ये मीर अली के द्वारा चित्रित किया गया था। इसको पूर्ण किसने किया था? अबू समद ने किया था। जो अमीर हमजा है, अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा थे और अमीर हमजा के द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों को ही चित्रित किया गया है किसमें? दास्तान ए हमजनामा में। तो हुमायूं के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार अकबर, अकबर के समय चित्रकला का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि लंबा शासनकाल रहा 1556 से 1605 तक, तो अकबर के समय चित्रकला में विकास हुआ। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार तो जैसे अबू समद अकबर के समय रहे, ये हुमायूं के समय भी चित्रकार थे। इनके बाद नाम आता है अबू समद के बाद बसावन, बसावन का नाम आता है। बसावन जो है, बसावन के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया गया वो चित्र बनाया गया है, एक रेगिस्तान दिखाया गया है। उस रेगिस्तान में एक व्यक्ति दिखाया गया मजनू, जो कृष्णकाय घोड़े पर, दुबले पतले घोड़े पर घूमते हुए रेगिस्तान में मजनू का चित्र बसावन के द्वारा बनाया गया है। ये सबसे श्रेष्ठ चित्र है बसावन का। तो कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र ये बसावन के द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा नाम आता है दशवंत का, अकबर के समय के चित्रकार। इसमें नाम किसका आता है? दशवंत। दशवंत जो है इसके चित्र रज्मनामा, दशवंत के चित्र किसमें हैं? रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद, तो रज्मनामा में दशवंत के चित्र हैं। ये अकबर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी अंत में और इसने आत्महत्या कर ली थी दशवंत ने। इसके बाद नाम आता है मिस्किन, मिस्किन यूरोपीय था, अतः अकबर के दरबार में यूरोपीय शैली में, यूरोपीय शैली में चित्र बनाने में इसको महारत हासिल थी मिस्किन को। तो ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार है। अकबर के बाद आता है नाम जहांगीर का, और जहांगीर का समय चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल। जहांगीर खुद चित्रकार नहीं था लेकिन चित्रकला का मर्मज्ञ था, विशेषज्ञ था। उसने ये कला किससे सीखी? अकारजा खां से। जहांगीर ने यह कला सीखी थी अकारजा खां, अकारजा खां से यह कला सीखी थी। तो बहुत सूक्ष्मदर्शी था चित्रकला के बारे में, और इसीलिए दावे किया करता था कि सब कलाकार मिलकर के एक चित्र बना दें कैनवास पर, मैं ये बता दूंगा कि किस कलाकार के द्वारा भौहें बनाई गई हैं, किस कलाकार के द्वारा मुंह बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है चित्रकला का विशेषज्ञ था। तो कलापन जहांगीर, केवल जहांगीर रहा है चित्रकला में, और स्थापत्य कला देखेंगे और मुगलों के समय शिक्षा, ठीक है ना। ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा, अभी आप नोट्स ले जाना इसके।